नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की बातें अफवाहें मार्केट में फैली हुई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र इन अफवाहों के आधार पर पोथी तक लिखने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे में ये कहा जाए कि कोरोना वैक्सीन से एक महिला का अंधापन दूर हो गया तो शायद ही किसी को विश्वास हो, पर महाराष्ट्र के वाशिम जिले से एक बुजुर्ग महिला ने अजब सा दावा कर दिया है। इस महिला के मुताबिक पिछले 8 सालों से आंखों में मोतियाबिंद होने की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आता था, लेकिन 10 दिन पहले कोविड-19 वैक्सीन ली तो सब दिखने लग गया। महिला के हिसाब से वैक्सीन ने उसे नई आंखें दे दी है। वहीं डॉक्टरों ने महिला की आंख की रोशनी लौटने के वैक्सीन से कोई जुड़ाव होने से इनकार कर दिया, और हम भी इस बात की पुष्टि नहीं करते कि वैक्सीन लगाने से आंखें ठीक हो जाएगी। खैर, इस महिला के बारे में आपको बता दें तो वाशिम के रिसोर्ट इलाके के बेंदरवाड़ी में 73 साल की मथुरा बिडवे अपनी भांजी के साथ रहती है और मूल रूप से मथुरा के जालना जिला के परतूर गांव की रहने वाली है। मथुरा के पति का देहांत होने के बाद वो दिहाड़ी मजदूर करके अपना गुजारा करती थी, लेकिन 8 साल पहले मथुरा को मोतियाबंदी की वजह से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। जब मथुरा का जालना में कोई देखने वाला नहीं था तो भांजी ने अपने साथ रिसोर्ट ले आए। मथुरा की एक आँख का ऑपरेशन हुआ लेकिन वो असफल रहा। दूसरी आँख में मोतियाबिंद का दायरा बढ़ जाने से पुतली का बड़ा सफ़ेद घेरा हो गया और महिला को 8 साल ऐसे ही बिताने पड़ गए। पर इंतज़ार की घड़ियाँ तब खत्म हो गई जब कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए अभियान तेज शुरू हुआ तो महिला को भी 26 जून को उनकी भांजी और नाती वैक्सीनेशन सेंटर पर ले गए। वहाँ उन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज ली। वैक्सीन लगवाने के दूसरे दिन ही बुजुर्ग महिला ने भांजी और नाती को बताया कि उसकी आंख में कुछ उजाला दिख रहा है। परिवार वाले भी चौंक गए, लेकिन 3 दिन बाद बुजुर्ग महिला को 30-40% आंख की रोशनी के साथ दिखना शुरू हो गया। अब वो अपने छोटे मोटे काम खुद ही करने लग गई। ये देखकर घर वाले और पड़ोसी भी हैरान थे और जल्द ही ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। हालांकि वैक्सीन लेने के कुछ घंटे बाद महिला को बुखार भी हुआ था। इसके बाद उनको पैरासिटामोल दी गई थी। शहर के सरकारी अस्पताल से डॉक्टरों की टीम भी मथुरा बिडवे के घर गई और चेकअप किया। इन डॉक्टरों का भी कहना है कि मेडिकली ये सिद्ध नहीं किया जा सकता कि वैक्सीन की वजह से ऐसा हुआ है। ऐसी संभावना हो सकती है कि मथुरा को मोतियाबिंद डिसलोकेट होने से पहले नहीं दिख रहा हो, क्योंकि मोतियाबिंद का इलाज अगर समय रहते नहीं हुआ तो ऐसा मामला हजारों में से एक में होता है। खैर, अभी तक इस बात की मेडिकल पुष्टि तो नहीं हो पाई कि वैक्सीन की वजह से ही महिला की आंखों की रोशनी वापस आई, पर महिला के लिए बेहद खुशी की बात है कि 8 साल बाद वो कुछ हद तक देख पा रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।